हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। और जावा कोर्स तो अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं, और इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपने बेसिक लेक्चर जो होते हैं वो कवर कर लिए हैं। और अब हम लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 तो चालू करने से पहले हम पहले लेक्चर नंबर 3 में क्या सीखे हैं उस तो रिकैप कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा है जावा लैंग्वेज के बारे में। जावा लैंग्वेज के बारे में मतलब जावा लैंग्वेज किसने बनाई, कब बनी, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैकेनिज्म क्या है। ये छोटे छोटे टर्म थे जो बेसिक होते हैं हमारे, जो कि हमें पता होने चाहिए जब भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव हमारा ये है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अपने कोड तो कंपाइल करने के लिए। तो हम उस सॉफ्टवेयर तो इस वीडियो में हम पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे उसका, और आखिरी में छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। तो आप तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो तो अब चालू करते हैं। तो चालू करते हैं, तो हम पहला काम करते हैं, आते हैं अपने सर्च बार पर। तो सर्च बार पे हम सर्च करेंगे, सॉरी, इंटेलिजे आइडिया, जे आप इंटेलिजे आइडिया, ठीक, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो इस पे क्लिक, जो पहली लिंक हमारी आई थी इसको सेलेक्ट क्लिक कर दो। अब हमें आप तो यहाँ पे दो डाउनलोड के बटन दिख रहे हैं, एक जे दिख रहा है एक जे दिख रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप क्लिक कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो अब यहाँ पे देते हैं, तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये है, एक विंडो है, एक मैथ है, एक लिनक्स है। जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे जाते डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा विंडो है, तो मैं विंडो पर हूँ, और इन दोनों में भी दो वर्जन आते हैं, तो एक अल्टीमेट है, एक कम्युनिटी है। तो अल्टीमेट और कम्युनिटी में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ। अल्टीमेट में ये है ना भाई, 30 दिन तक तुम्हें फ्री ट्रायल मिलेगा। तो ट्रायल मिलेगा, इसके बाद तुम्हारे कुछ पैसे लगने लगेंगे, और पैसे देना नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं कम्युनिटी में, क्या होता है कम्युनिटी, हमारा LTS होता है, ये स्टूडेंट के लिए ही होता है ये पूरा वर्जन। तो ये आप तो फ्री मिलता है। तो अब हम इस पे डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका मैथ और लीनेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप तो लीनेस पे आते कर देना है, मैथ पे आते कर देना है, आप तो मिल जाए। और आपके जितने बिट का लैपटॉप है, ये ऑटोमेटिक उसी का लिंक देता है, तो आप तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आप तो मतलब बिट पे सेलेक्ट करना है, तो ये आप तो डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड दबा दें, तो आपके जो बिट के अकॉर्डिंग डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो अब डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो डाउनलोड, जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं एक आप तो इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि हमारे और भी कोर्सेज चलते हैं इस चैनल पे, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, ISSC केमिस्ट्री चल रहा है जो आदित्य रस्तोगी पढ़ा रहे हैं, और ISSC मैथमेटिक्स क्लास 10th की चल रही है जो कि आकाश सोनी पढ़ा रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट चल रहा है जो कि हमारे सत्यम सर पढ़ा रहे हैं, और एक चल रहा है पाइथन का कोर्स, तो पाइथन का कोर्स हमारा श्रुति पांडे जी पढ़ा रही हैं। तो आप तो अदर इन अदर कोर्सेस में भी इंटरेस्ट है, तो आप इस पे जाइए, पढ़िए और फीडबैक दीजिए। अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रहिए इस पर। और एक चीज़, अगर आपके किसी फ्रेंड तो भी अगर ये सब कोर्सेस कोई भी पढ़ना हो इनमें से, तो उसको जरूर से जरूर जी शेयर करिए। तो अब आगे देखते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए हम लोग। ये डाउनलोड हो चुका है, तो डाउनलोड होने के बाद हमें सिंपल काम करना है, सिंपल काम करना है, 1 मिनट, सिंपल काम करना, ओपन पे आना है, ओपन कर देना है इसको, बस और कुछ नहीं करना, ओपन करना है। अब ये ओपन हो गया है हमारा, ओपन हो रहा है, ये ओपन होना चालू हो गया है ये। अब देखिए हमारा आ गया, ये देखिए हमारा पहला विंड से वो आ गया हमारे पास, इज वेलकम टू इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन सेटअप। तो हमें यहाँ पे आते सीधे कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है हमारी, पाथ, डेस्टिनेशन फोल्डर, कौन से फोल्डर में हमारा है। तो हमारे पास ये सही फोल्डर है,
तो हम अगर आप तो पाथ में तो ये दिक्कत दिखती है तो आप देख लीजिए, वरना ये ऑटोमेटिकली हमें सही फोल्डर ही देता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं यानी दिनेश। अब एक चीज़ हमें एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, ये आप तो क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट भी करना है, इस पर चेक बॉक्स बनाना है, एड बिन फोल्डर टू द पाथ भी करना है हमें, और इस तो अभी रहने दीजिए। इस तो बाद में कर लीजिएगा, अभी इस तो रहने दीजिए। और एच ए क्रिएट एसोसिएशन यानी कि आपकी ऑटोमेटिक कौन सी फाइल बने, तो उसके लिए हम जावा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। हम जावा पढ़ रहे हैं तो जावा और भी अदर लैंग्वेज है, पर वहाँ ऑप्शन आने लगे तो आप कन्फ्यूज होंगे थोड़े से। तो अब यहाँ पे इस तो नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट कर दिए, सारी सेटिंग हो गई, जेट ब्रेन्स यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए हमारा, और अब यहाँ पे हम कर देंगे इंस्टॉल इस तो। अब ये इंस्टॉल हो रहा है धीरे धीरे, अभी हो जाएगा, जी बस 2 मिनट लगेगा इंस्टॉल, अभी ये तुरंत हो जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट हमारा इंस्टॉल होने ही वाला है, तो देखते हैं। अब ये इंस्टॉल हो गया हमारा, इंस्टॉल हो गया। अब ये हो गया हमारा रन इंटेलिजे आइडिया, इस पे चेक कर देना और फिनिश दबा देना। अब ये फिनिश हो गया, अब हमारा जो इंस्टॉल हो चुका है, तो हमें अब क्या करना है, अब हमें आना है अपने मेन विंडो पर। ये आप तो दिख रहा है, ये देखिए अब खुल रहा है हमारा इंटेलिजेंट आइडिया, खुल रहा है। इसमें थोड़ी थोड़ी सेटिंग अंदर है तो वो देखते हैं थोड़ा। तो ये जो ऑप्शन आता है ना, इसमें डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग कर दीजिएगा आप, क्योंकि हमें तो ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं, तरह नहीं बाद में तराएंगे तो इस तो सेटिंग चेंज कर देंगे फिर। तो हम ओके दबा देते हैं इसमें, अब ये खुल जाएगा हमारा। अब ये हमारा फ्रंट विंडो आ गया, तो मतलब वेलकम स्क्रीन मेरा कहने था मतलब। तो अब यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे आएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक कस्टमाइज आ रहा है और एक प्लगइन आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम किस पे आए, हम किस पे आएंगे, हम प्रोजेक्ट्स पे आएंगे। प्रोजेक्ट्स पे आते हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ प्रोग्राम लिखने वाले तो पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट कब आएंगे, ओपन हो रहा है जी, एक मिनट। हाँ तो प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमारा जावा वाला सेलेक्ट है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। कमांड लाइन ऐप आई दी है, इसको भी अभी सिंपल ऐसे क्लिक करते छोड़ देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देते हैं, जैसे नाम हम दे दे रहे हैं लेक्चर 4। ठीक, 4th लेक्चर में है तो लेक्चर नंबर 4 हमने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। तो अब जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसमें, अब मैं बताता हूँ एक चीज और। जी अगर आप तो टिप्स चाहिए तो आप टिप्स ले सकते हैं नेक्स्ट टिप पर, मुझे तो ही टिप्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे डोंट शो टिप्स कर दूंगा अभी, और इस तो हटा दूंगा। तो जी हट गया। अब देखिए हमने जावा पे सेलेक्ट किया था, तो जावा से जो कुछ मेन चीज हमें लिखकर दे दी, क्लास और मेन मेथड। अब ये क्लास क्या होती है ये हम बाद में थोड़ा समझेंगे, लेकिन मेन तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास हम अभी बाद में समझेंगे, जब अपना ओप्स पढ़ेंगे, ओप्स की जो मेरा लेक्चर आएगा उस पर हम क्लास और इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी हम मेन मेन तो समझते हैं, मेन क्या होता है, मेन देखिए पहले मेन यही चीज़ होती है हमारा, एक एंट्री पॉइंट। अब इसको तो कनेक्ट मैं करूँगा फ्लो चार्ट, अगर आपने वीडियो देखी तो अभी मेन आप तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट में अगर आप तो याद हो, अगर हमें कोई भी फ्लो चार्ट बनाना था तो हमें कोई भी फ्लो चार्ट बनाने तक चालू कहाँ से करते थे, एक ओवल शेप बनाते थे हम, ओवल शेप बनाते थे तो हम बोलते थे यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट चालू है, तो वहां से फ्लो चार्ट चालू। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जो होता है, जहां पे जो मेन स्टेटमेंट होती है हमारी, वहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होता है। अब इसके ऊपर हम कुछ भी लिख दें,
थाउजेंड्स भर लाइन भी लिख दे, लेकिन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होगा, इस 11th लाइन से, जहाँ पे मेरा मेन का मेन फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस तो अब हम इस फंक्शन अब हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि हमें सिस्टम डिस्प्ले तुझ हो, यानी कि हम ऐसी चीज लिखेंगे कि हमारे सामने तुझ आउटपुट आए। तो आउटपुट कैसे आएगा, देखिए पहली चीज है हमारा लैपटॉप क्या है, सिस्टम है एक, हाँ, तो हम सीधे एक सिस्टम ही लिख देते हैं यहाँ पे। सिस्टम हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो हम डॉट बनाते हैं और आउट लिख देते हैं, आउट लिखेंगे, और हमें क्या करना है उसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट लिख दिया। अब प्रिंट में हम लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू विद्यार्थी चैनल, ठीक, हमने जी लिख दिया है। अभी देख लीजिए एक एरर दिखा रहा है हमें, क्या एरर दिखा रहा है, एरर हमें यही दिखा रहा होता, हमने लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब ये सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन ये चीज होती है, तो मान लीजिए आप तो इंग्लिश पैरा लिखते हैं, इंग्लिश का मतलब सेंटेंस लिख रहे हैं पूरा, तो उसमें क्या करते हैं आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो जावा के तेज में भी एक फुल स्टॉप होता है, लेकिन उसको डॉट से हम रिप्रेजेंट ना करते, सेमी कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेमी कॉलन क्यों लगा है जे आप समझते होंगे। अब हमें इसको रन कराना, हमें आउटपुट देखना है, तो ये ग्रीन जो बटन दिखता है हमें, इस पे हमें क्लिक कर देना है, तो क्लिक कर देंगे आप, ये थोड़ा पहला प्रोग्राम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो रन होगा अभी जे, मैं इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अभी, तो ये रन हो रहा है, आप यहाँ देख सकते रन हो रहा है। तो देखिए हमारा जो मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था वेलकम टू द विद्यार्थी चैनल, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया, ये हमारी आउटपुट, इस तो हम लोग कंसोल विंडो बोलते हैं, अदर जी आप तो ना दिखे तो आप तो विंडो पे आना है, अपना यहाँ पे सो विंडो था एक तो, हाँ, तो इस तो हम कंसोल विंडो बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने जो आउटपुट लिखा था वो आ गया वेलकम टू द विद्यार्थी चैनल, जी अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमने तो उस चीज सीखी है, तो हम एक चेंज करते हैं इस स्टेटमेंट में, हमने यहाँ प्रिंट लिखा है, अगर हम प्रिंट एलन लिखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं भाई, रन कराते हैं, रन हुआ। अब देखते चेंज क्या आया, चेंज ये आया, इसके बाद एक लाइन आ गई हमारे पास, देखिए प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है, प्रिंट एलन जो है हमारा वो एक लाइन इंटर दबा दे रहा है, एक टैब ले आ रहा है हमारे पास, जो कि एक लाइन एक्स्ट्रा आ जा रही है हमारे पास। अगर आपने पिछले बार फोकस किया होता तो ये लाइन ऊपर थी, अब ये लाइन नीचे, अभी इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पे, और यहीं पे हम इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और इस तो यहाँ लिख देते हैं, इस तो यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पे एलन दबा देते हैं, और फिर इसको फिर कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम एलन हटा देते हैं, तो डिफरेंस क्या है, देखिए पहले वाले वेलकम टू विद्यार्थी चैनल पे हमने प्रिंट लिखा है, दूसरे वाले चैनल पे दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमने लिखा है प्रिंट एलन, तीसरे वाले पे हमने लिख दिया है प्रिंट, तो अब 3 बार वेलकम टू विद्यार्थी चैनल प्रिंट होने वाला है, कैसे प्रिंट हो रहा है जी देखते हैं, तो रन करते हैं इसको, ग्रीन वाले बटन तो दबाते हैं, तो आउटपुट देखिए क्या आया, ये वाला जो स्टेटमेंट मेरा जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, वेलकम टू द विद्यार्थी चैनल। अब दे तो इसमें से प्रिंट था तो ये नेक्स्ट लाइन से नहीं चालू हुआ, अगर आप दे तो ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है तुरंत उसके नेक्स्ट मतलब उसी के बाद तुरंत चालू हो गया, और यहाँ पे एलएन है तो इसने एक इंटर दबा दिया, इंटर मतलब एक नेक्स्ट लाइन पे आ गया, हमारा जो कोड अब एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जो आउटपुट आएगा
तो वो अब हमारा नेक्स्ट लाइन पर आएगा। तो ये जो लाइन है इसके बाद हमारी ये अलग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। डिफरेंस समझ लो, प्रिंट लाइन ऐड नहीं करता है, प्रिंट एलन जो है हमारा लाइन ऐड करेगा। तो बस इतना ही हम आज के वीडियो में रखेंगे। और अगर आप तो कोई भी डाउट हो रहा है इंस्टॉल करने तो इस सॉफ्टवेयर में, अभी हमने इसमें कोड ज़्यादा खास नहीं लिखा है, तो अभी आप चिंता मत करिएगा कि अभी आप तो अदर ये चीज़ें नहीं समझ में आई थोड़ी बहुत। तो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो डेटा टाइप वेरिएबल आएगा उस पर इस पर ज़्यादा डिटेल पे फोकस करेंगे। इस वीडियो तो मैंने बता दिया था, मोटिव यही है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। तो अब इस वीडियो तो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो मिलते हैं, जो कि डेटा टाइप वेरिएबल पे होती, जो कि इम्पॉर्टेंट वीडियो होती एक बिजनर लेवल के लिए। अगर आप बिजनर है जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग, तो डेटा टाइप वेरिएबल आपका पहला टॉपिक होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अब हम इसके बाद हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तो जो पढ़ना चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए कि अगली वीडियो मेरी जैसे ही आए आप तो पता चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।